नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कंप्यूटर का नियंत्रण बोर्ड कहते हैं ऑप्शन 4 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कह सकते हैं CPU। अगला है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? सी भाषा का विकास किया गया था ऑप्शन 2 डेनिस रिची। मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल होता है ऑप्शन 3 मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। प्राइमरी मेमोरी को खालिस्तान भी कहते हैं तो ऑप्शन 3 मेन मेमोरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? ऑप्शन 2 समस्या को सुलझाना समझना। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा एड्रेस बस। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो 2 हो जाएगा समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 4 हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है ऑप्शन 1 CPU। CD-ROM निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है मैग्नेटिक टेप का। पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं? तो ये हो जाएगा 1 ऑप्शन होम पेज के अंतर्गत। अगला है, iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो 3 हो जाएगा मोबाइल OS। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित हैं? तो ई-कॉमर्स। स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो 2 हो जाएगा यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो ये हो जाएगा 1 कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा फाइल सिस्टम का। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन 4 उसको कहते हैं प्रिंटर। निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? तो 4 हो जाएगा यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो लॉग ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचना या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायनासेट। CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा CU, कंट्रोल यूनिट। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जोड़ घटाना गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? तो हार्ड रियल टाइम। CPU के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या हैं? तो ये सभी CU, कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर। फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा PSTN। अगला है, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को
किस प्रकार संक्रमित करता है? तो ये हो जाएगा दूसरा, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से फाइलों और फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो तीसरा हो जाएगा लाइब्रेरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे खालिस्तान क्या कहते हैं? तो पहला हो जाएगा वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जन। कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा चौथा, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रेजेंटेशन अथवा स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? तो दूसरा हो जाएगा पावर पॉइंट। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो पेज अप कुंजी। खालिस्तान वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है। तो तीसरा हो जाएगा WAP बैप। डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता? तो चौथा हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना खालिस्तान में स्टोर होती हैं। तो तीसरा हो जाएगा डाटा वेयर हाउस। लो पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? तो चौथा हो जाएगा यूएसबी केबल के द्वारा। नैनो शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, एक नैनो बराबर होता है 10^-9 m। ब्राउज़र पर http://doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो तीसरा हो जाएगा वेबसाइट। पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पांचवा हो जाएगा, तीसरा और चौथा, .bmp.png। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चौथा हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। एक पेंटियम 4 में खालिस्तान ट्रांजिस्टर होते हैं? तो चौथा हो जाएगा 42 मिलियन। बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी घात लेनी पड़ती है? तो दूसरा हो जाएगा 2। किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है? तो पहला हो जाएगा फ्रांस। ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट पिक्चर्स वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं खालिस्तान कहलाती है। तो चौथा हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट। डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज़ पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तीसरा हो जाएगा रिपोर्ट। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? तो वायरलेस, चौथा ऑप्शन वायरलेस। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो दूसरा हो जाएगा ऑरकुट। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो तीसरा हो जाएगा, यह एक डायल अकाउंट है। नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। और आज का लास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? तो सिस्टम का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।